और इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्डर के बारे में क्या होना चाहिए? वेल, टुडे इज इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पर्सन एंड ये लास्ट ईयर भी मैं आई थी एक्चुअली ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए एंड क्योंकि मैं ये कॉज में बिलीव करती हूँ, आई जस्ट फील देयर नीड्स टू बी अ लिटिल मोर अवेयरनेस ऑफ हाउ आर ओल्डर जनरेशन नीड्स टू बी ट्रीटेड, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक वी बिकम अ लिटिल लैक्स व्हेन इट कम्स टू गिविंग देम द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व. तो इसलिए मैं हेल्प एज इंडिया के साथ जितना काम कर सकती हूँ काम करती हूँ. आई ट्रूली एक्चुअली फील ब्लेस्ड दैट आई यू नो गेट अ चांस टू वर्क विद देम. सैटिस्फैक्शन बिकॉज लाइक आई सेड आई फील इफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस बिलीव्स इन अ कॉज टेक्स इट अप एंड डज समथिंग अबाउट इट लाइक आई सेड बिफोर आई थिंक द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस. दिस इज अ कॉज दैट आई बिलीव इन एंड आई फील I'm doing great disservice to myself if I'm not doing something about it. तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इनके फंक्शंस के लिए आती हूँ. अवेयरनेस यहाँ पर और एक चीज़ रखी गई है कि हर महीने जो पेंशन है मिनिमम 2000 फॉर द एल्डर पर्सन वो होनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट. तो आपकी क्या राय है इसमें? Well, I think it's already legalized, right? Yes, वो आया था ना? Yes, actually, the law? अभी या law है, लेकिन अभी उनको 1000 रुपए तनख्वाह मिल रही है पेंशन. Okay. No, पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 600 रुपीस पेंशन पर मंथ दी जाती थी, वो अभी बढ़कर 1000 हुई है. लेकिन हम सबकी डिमांड ये है कि कम से कम 2000 तो भी देनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि कई राज्यों में ये 2000 पेंशन मिल रही है. तो महाराष्ट्र सरकार ने भी ये 2000 करनी चाहिए. और ये सिर्फ पेंशन नहीं है, ये हमारा कहना है कि एक सम्मान की ज़िंदगी वो जी सके, उसके लिए उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. yes. और वो सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए स्पेशली फ्रॉम देयर फैमिलीज, बिकॉज अ लॉट ऑफ फैमिलीज अ लॉट ऑफ यू नो डॉटर्स एंड सन्स एंड डॉटर इन लॉज सन इन लॉज टेंड टू डिसरिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड यू नो सो मेनी टाइम्स वी हैव सीन दे थ्रो देम आउट ऑफ द हाउस, मेक देम वर्क टू मच, पुट देम इन एन ओल्ड एज होम, think of them as a burden. So I think they need to understand that there is a law that protects the elderly and they shouldn't cross that line with them. Most importantly, hamara jo culture hai teaches us to respect our elders, but we've somewhere down the line I think forgotten that because we're trying to ape the west. We need to kind of get back to our roots. Okay, Shamita, very soon we're going to see you in your upcoming short film at Tenant. Yes, so, The Tenant. Tenant. Yes. So what do you like to say about it? Anything you'd like to share? Well, about your role very excited and because I'm actually having a release after really long. It's a good film, if I can say so myself. It's actually gone to the festivals now, so it should release soon. Okay, in which platform are you going to release? It's I think it's better if the producers you know talk about that. It's not my place to really reveal that right now. Yeah, thank you so much. Thank you.